प्रदेश भर में चल रही भाजपा की बैठकों में किसान द्वारा लगातार विरोध हो रहा है। फतेहाबाद में रविवार को भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे। कैबिनेट मंत्री के फतेहाबाद में पहुंचने की खबर के बाद किसान संगठनों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। जिले में 12 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर भाजपा कार्यालय की किलेबंदी कर दी गई। भाजपा कार्यालय के बाहर भारी बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया। सुबह से किसान भाजपा कार्यालय के बाहर जुटने शुरू हो गए। दोपहर होते होते किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। किसानों ने अपने हाथों में काले झंडे लिए हुए थे और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए किसान बैरिकेडिंग तोड़कर भाजपा कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास करते नजर आए। वहीं पुलिस बल उन्हें रोकने का प्रयास में लगी रही। भारी गर्मी के बीच पुलिसकर्मियों और किसानों के बीच माहौल भी गर्म रहा। वहीं भाजपा कार्यालय में मंत्री बनवारी लाल कार्यकर्ताओं की बैठक लेते रहे। दोपहर करीब 12 बजे सांसद दुग्गल भी भाजपा कार्यालय पहुंच गई। उनके पहुंचने की भनक किसी को नहीं। जैसे प्रदर्शनकारियों को सांसद के पहुंचने की खबर मिली, स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गई और कुछ प्रदर्शनकारी इधर उधर से भाजपा कार्यालय के समीप पहुंचने में सफल हो गए और दीवार फाड़ने का प्रयास किया और वहां लगे पोस्टर फाड़ने का प्रयास भी किया, मगर इस बीच वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने मौके पर ही उन्हें खदेड़ दिया। दिन भर चलती रही गहमा गहमी के बाद करीब 2 बजे अपना विरोध जताकर भाजपा कार्यालय से चले गए। आज संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है शुरू से ही कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार है और वो और बीजेपी की सरकार है देश के अंदर, वो जहां भी सरकारी कार्यक्रम करेंगे, मीटिंग करेंगे या कोई भी आयोजन करेंगे, उसका संयुक्त मोर्चा काले झंडे लेके ना विरोध प्रदर्शन करेगा। उसी के तहत आज फतेहाबाद के अंदर हमारी सांसद सुनीता दुग्गल और बनवारी लाल जो कि मंत्री है वो यहाँ फतेहाबाद माणिक का कार्यक्रम था और इस बात का विरोध करने के लिए आज पूरे फतेहाबाद इलाके के किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, शहर के गणमान्य लोग, तमाम नागरिक यहाँ विरोध करने के लिए आए हुए हैं। इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ये जो भाजपा की सरकार द्वारा 3 जो कृषि विरोधी काले कानून बनाए जाने लग रहे हैं जो इन्होंने पास कर दिए, उसके विरोध के अंदर